हम तो उस टाइम से हैं जब AIR से लेके अपने आरजे मीनाक्षी तक का सारा टाइम देखा है। हाँ। तो जब आप अभी एकदम बिल्कुल उसमें चल रहे हो, मतलब एक फास्ट वाले उसमें, और एकदम से आपको कोई बोले कि जी आपको AIR पे इंटरव्यू करना है। हाँ। और वो भी वो स्लो मोशन में, तो वो जो एक्सपीरियंस है ना एक बिल्कुल अलग ही रहता है। कैसा एक्सपीरियंस रहता है? एक्सपीरियंस तो बहुत मजा आया देखे। हाँ। मतलब पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में 5 मिनट लगा देते हैं। अच्छा। तो वो फिर बंदा सोचता है मेरी बारी कब आएगी बोलने की। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। उन्होंने मतलब आप ये यकीन करो कि उन्होंने मेरी 1.5 घंटा इंटरव्यू ली, 4 सवाल पूछे होंगे उन्होंने सिर्फ उसी 1.5 घंटे में। सबसे पहले मैं आपकी इंट्रोडक्शन दूंगा। Watching RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. Brought to you by Pinaka Media Works. Powered by Aroma Musk, Alistos. आप सभी का स्वागत है आज के इस हमारे खास और बहुत ही अद्भुत तरीके से खास एपिसोड जो है RFE Unplugged का। और आज मेरे साथ हैं शिव कुमार शर्मा जी। मैं शिव भाई बोलता हूँ फोन करते हैं। हाँ जी भाई यही हमारा रिश्ता है। क्यों शिव भाई? बिल्कुल। शिव भाई जो हैं ही वर्क्स विद द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी चंडीगढ़ UT, और ये बहुत सारी NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं जो डिसेबिलिटी या जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके इशूज़, उनके ग्रीवेंसेज, उनकी अपलिफ्टमेंट, उनकी एजुकेशन और बहुत चीज़ें, बहुत स्फीयर्स में काम कर रही हैं। शिव भाई के बारे में जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि मैंने जब फ़ोन करूं शिव भाई के पास एक ही चीज़ होती कहने को, मतलब हाँ और करते हैं। मतलब ये दो चीज़ें होगी, सॉरी, एक हाँ हो जाएगा और दूसरा हम करते हैं। मतलब आप इनको कहीं भी बुला सकता हूं मैं, और शिव भाई ने आज तक टच वुड कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। शिव भाई इतना जज्बा, इतनी एनर्जी आप में कहाँ से आती है? सबसे पहले तो सभी देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जसवी भाई थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आज इनवाइट किया। और हम लक्की नहीं, हम ब्लेस्ड हैं कि आप जैसे फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रही एनर्जी की बात, तो एनर्जी लानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं। हम आम भी खाते हैं तो हम आम को खा लेते हैं और गुठली को फेंक देते हैं। इसी तरह ही हम पॉजिटिव चीज़ों को लें और नेगेटिविटी को फेंक दें तो पॉजिटिविटी और एनर्जी अपने आप ही बनती रहेगी। तो शिव भाई आपने इतनी जगह इंटरव्यू दिए हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट के RFE Unplugged शो पे आके आपको कैसा लग रहा है? सर ये तो अपना घर है, क्योंकि मैंने इस प्लेटफॉर्म की बहुत सारी इंटरव्यू सुनी है और बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि हमारा ये जो चैनल है वो इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर रहा है और आप सभी देखने और सुनने वालों का प्यार इसे मिल रहा है। और ये मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए बैठा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं ओजस्वी भाई के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि हम डेली की रूटीन की बातचीत ही कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही समझो कि फ़ोन उठाया और हम बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो शिव भाई इतना कुछ, आप विजुअली इम्पेयर्ड जिनको पब्लिक डोमेन में लोग ब्लाइंड बोलते हैं, आप उनके लिए इतना काम कर रहे हैं, पहले मुझे बताएं कि, और दर्शकों को बताएं, मुझे तो पता ही है, दर्शकों को बताएं कि क्या क्या प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव, स्कीम्स आ गई हैं और उनको लोगों तक कैसे पहुँचाया जा रहा है। सर दो चीज़ें, एक प्रोफेशन और एक पैशन। मैं पहले प्रोफेशन स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि वो भी, ये जो डिपार्टमेंट है ये भी एक सोशल वर्क का ही डिपार्टमेंट है। और वो कहते हैं नीतानु मुरादा, जैसी मेरी नीयत थी सोशल वर्क करना वैसा ही मेरे को प्रोफेशन भी मिल गया। तो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक ऐसी संस्था है जो कि एक पूरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और हम उन लोगों के लिए काम करते हैं जो लोग बिल्कुल ही हाशिए पर हैं और जिनको कहीं ना कहीं किसी कानूनी सहायता और कानूनी सलाह की ज़रूरत होती है। तो हम उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्ट्स में एडवोकेट प्रोवाइड करवाते हैं, जो लोग बहुत गरीब हैं, जो लोग अपना केस लड़ नहीं सकते और उनको लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो आकर हमारे पास एक सिंपल फॉर्म भर के लीगल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उन सब लोगों को
लीगल एड मिल सकता है। तो मैं ये भी बता दूं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, किन किन लोगों को लीगल एड मिल सकती है फ्री में। लीगल एड सर्विसेज किसी भी लेडी के लिए फ्री हैं, कोई भी बच्चा, चिल्ड्रन जिसको हम 18 साल तक का मानते हैं, 18 साल तक का कोई भी बच्चा, कोई भी सीनियर सिटीज़न, कोई भी एससी एसटी से जुड़े लोग जो हैं, और कोई भी पर्संस विद डिसेबिलिटीज़, और कोई भी डिज़ास्टर विक्टम, और जो लोग कस्टडी में हैं अभी, जेल में हैं, वो लोग भी फ्री लीगल एड के हकदार हैं। आप सभी ने कसाब का नाम सुना होगा, तो कसाब को भी हमने लीगल एड प्रोवाइड करवाया था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हर बंदे को, चाहे वो एक्यूज्ड है चाहे वो नहीं है, जो भी है उसको लीगल एड का राइट है और वो उसको मिलना चाहिए। और हमारी कोशिश यही रहती है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ों को लेके, तो हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो और उनके राइट्स तक हम पहुँचें। तो जितनी मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं, इसमें लगभग इंडिया की 70% आबादी को हम कवर करते हैं, जिसमें एक चीज़ छूट गई थी, जिन लोगों की जनरल में एनुअल इनकम लेस देन 3 लाख है, उनको भी हम लीगल एड प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये तो आप पूरा दिन निकल जाता होगा शिव भाई, मतलब कितने लोग आपको अप्रोच करते होंगे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में? जी बहुत लोग अप्रोच करते हैं, लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ कि सिर्फ 40-50% लोगों तक ही ये जानकारी है कि ऐसी भी कोई सर्विसेज हैं। जब हम कॉलोनीज में जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी भी इन चीज़ों का पता नहीं है। हम उनको इस चीज़ का सारा कुछ बताते हैं, और लोग उनको बड़ा एक ना हैरानगी होती है कि ऐसी भी कोई चीज़ है कि फ्री लीगल एड जैसी चीज़ हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आप सोचें कि लोगों के मन में कितनी शंका है कि लीगल हेल्प, इसको कह रहे हैं कि चाहे लॉयर हेल्प हो, चाहे आप किसी मैटर में स्टक हो गए हैं और आपको पता ही नहीं है कि उसको लीगली कैसे प्रस्यू किया जा सकता है, अगर आपको लीगल एंगल लेना पड़े, आपको कोर्ट कचहरियों में इंडल्ज करना पड़े, तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जहाँ पे ये सारी जानकारी आपको मिलती है, आपको लीगल हेल्प मिलती है, और जो भी इन्होंने बेनिफिशरीज की लिस्ट बताई है, जो जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो इन सेवाओं का राइटफुल जिसको कहते हैं ना, लाभ उठा सकते हैं। आपके पास सक्षमता नहीं है कि आप लॉयर हायर कर सकें, और आप विमेन हैं, आप चिल्ड्रन हैं अंडर द एज ऑफ 18, आप सीनियर सिटीज़न हैं, आप एससी एसटी कैटेगरी में हैं, आप किसी ना किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, तो आप इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। कोई भी मेजर फंडरेजर इवेंट देखें या कहीं पे भी देखें, मुझे हर एवरी सेकंड या थर्ड इवेंट में शिव भाई फ्रंट रो में चेयर पे बैठे नज़र आते ही आते हैं। शिव भाई, इतना काम करने के बाद, पब्लिक वेलफेयर करने के बाद, आप ये और एडिशनल काम कैसे करते हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, वो भी ज़रा दर्शकों को बताएं। अच्छा शिव भाई, सबके पास 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, और ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उन 24 घंटों का यूज़ किस तरह से कर रहे हैं। जी सबसे बड़ी बात, हमें अपने ना जो है दिमाग के दरवाजे खुले रखने चाहिए। जी। मेरे पास कभी भी कोई कॉल आती है कि वेलफेयर से रिलेटेड ये काम करना है, तो मैं सीधा ही हाँ कर देता हूँ, सोचता बाद में हूँ कि ये काम कैसे होगा। और ये है कि अगर हम, वो कहते हैं ना, when begun is half done, कि अगर हमने हाँ कर दी तो समझो वो आधा काम तो हो ही गया। तो जब कोई अच्छी अप्रोच लेकर हमारे पास आए और हमें लगे कि ये काम सच में हो सकता है, तो हमें वो काम करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए, आप रोटरी डिनर इन द डार्क के बारे में तो जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने भी पर्संस विद डिसेबिलिटीज हैं, जो मतलब चीज़ हमने देखी है, वो लोग कोई और ना देखें, क्योंकि हम भी इतने अच्छे परिवार से नहीं आते कि हमारे पास भी पूरे सोर्सेज थे, या हम वो कुछ काम करें कि सब कुछ हमारे लिए बड़ा आसान था, ऐसा नहीं है। हमने भी बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, पढ़ लिख गए, मैंने एमए बीएड किया है, और मैं चाहता हूं कि जो आगे आने वाले बच्चे हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी आप पर्संस विद डिसेबिलिटीज़ को देखेंगे, वो बहुत ही गरीब परिवारों से होंगे, और वो ऐसे परिवारों से होंगे जिनको परिवारों को अवेयरनेस ही नहीं होती कि उन परिवारों, उन बच्चों के लिए स्टडी का क्या स्कोप है, वो बच्चे कर क्या सकते हैं।
हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी कई बार आए हैं जो 15-15 साल के हो गए और उनके पेरेंट्स इस चक्कर में पड़े रहे कि हम फलाने बाबे के पास जाते थे, उस बाबा जी ने हमें कहा कि इस बच्चे की आंखों की रोशनी आ जाएगी, उस चक्कर में उन्होंने कभी उस बच्चे को स्कूल में एडमिट तक नहीं करवाया। अंधविश्वास, अंधविश्वास जिसको आप कह सकते हैं। मैं एक ऐसे बच्चे को भी जानता हूँ, हिमाचल का वो बच्चा था, 8 साल का बच्चा हो गया था जसवी भाई, हाँ जी, और उसके माँ बाप ने उसको कभी कमरे से बाहर तक नहीं निकाला था। आप उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन देख सकते हो कि क्या होगी। मुझे किसी ने बताया तो मैं, मेरे जो जहाँ मैं गांव में रहता हूँ, हमारे सरपंच ने मुझे बताया कि यार तू तो इतना पढ़ लिख गया, ऐसे ऐसे एक बच्चा है, उसका क्या करें। वो माँ बाप बताना ही नहीं चाहते थे कि उनके घर पे कोई ब्लाइंड बच्चा भी है। हम गए, हमने वहाँ के सरपंच से टाइप किया तो कहते जी वो तो जाने नहीं देंगे। मैंने कहा मुझे लेकर चलो। मैंने फिर सीधा कहा, मैंने कहा या तो आप उस बच्चे को बाहर निकाल दो, नहीं तो हम पुलिस की हेल्प लेके उसको रेस्क्यू करवाएंगे। सर हम जब उस बच्चे से मिले और जब हम उस बच्चे को बाहर लेकर आए, 8 साल तक वो बच्चा कमरे में रहा, उसको ये नहीं पता था कि धूप का फील क्या होता है, बाहर हवा कैसे चलती है, क्योंकि वो कभी बाहर निकला ही नहीं। तो अब वो बच्चे को, क्योंकि मेंटल उसकी जो कंडीशन थी बहुत ख़राब हो गई थी, तो उसका हमने GMCH 32 से ट्रीटमेंट करवाया, तो अब काफ़ी जो है वो उसकी हालत ठीक है और वो अब उसको हम 10th करवाएंगे। जहाँ हम लोग पूरा दिन कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स, ऑनलाइन मीटिंग और इन चीज़ों में हम लोग अपने आप को बहुत ऑक्यूपाइड और बिजी बना रहे हैं, और इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सिनेमा के टिकट देख रहे हैं, फ्लाइट की टिकटें देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। वहाँ एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ज़िंदगी आँखों के ज़रिए दिखाई नहीं देती। देखिए मैं ये कहता हूँ कि आँख जो है वो शरीर का इतना छोटा सा एक ऑर्गन है, लेकिन सारी दुनिया, हम मतलब कहते हैं ना, पूरा चांद, पूरा सूरज, सारे पहाड़, सारी झीलें, सारे कुछ मर्जी उठा लो, जो भी भगवान ने बनाया, इंसान ने बनाया, वो इन दो आँखों ने ही देखना है। और लोग, और आई थिंक शिव भाई सारी दुनिया देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, मतलब फार बेटर लिविंग देन आई थिंक मोस्ट ऑफ अस। आपके खुद के साथ आपको कैसा हुआ कि आपने इतनी पढ़ाई की और आपने फिर एक जॉब अप्लाई की, आपकी जर्नी कैसी रही सो फार और कैसी रही? और जैसे भाई ये मेरे लिए ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि आप इस चीज़ को समझें कि शिव भाई ने अगर एक बच्चे को नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारी लेडीज़ को अपने अपने फैमिली ट्रैप से या किसी जो हमारे सोसाइटल टैबूज हैं उनसे इन्होंने उन्हें छुड़वाया है, और उन्हें जैसे बच्चे को उन्होंने बोला कि 10th भी करवा रहे हैं, अब वो 8 साल बच्चे घर से निकाल के लाए, फिर उसको 10th तक करवा रहे हैं। तो इनकी लाइफ जो है असली इंस्पिरेशन तो मेरे लिए ये है। तो शिव भाई खुद का बताओ कि कैसे अपना रहा, हमारी जर्नी कैसी रही। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जब आप ये बात कर रहे थे सारी, तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि इंसान तन से नहीं मन से हैंडीकैप्ड होता है। अगर ये तन वाली चीज़ें, तो किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को थायराइड है, तो हमारे साथ ब्लाइंडनेस है, दैट्स इट, इतनी सी चीज़ है। तो हम तन से हैंडीकैप्ड नहीं होने चाहिए। मन से हैंडीकैप जो हो गया ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। वो कोई एक बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल फिटेड, शरीर से जो बिल्कुल फिट बंदा है, वो अगर मन से हैंडीकैप्ड है ना, तो समझो वो हैंडीकैप्ड है, चाहे उसके अंग सारे काम कर रहे हैं। सो आपने जर्नी की बात करी, मेरा जो बर्थ है वो हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट ऊना के पास एक गाँव है जी, वहाँ का मेरा बर्थ है, पृथ्वीपुर मेरे गाँव का नाम है। तो मैं बाय बर्थ ब्लाइंड था, तो मेरे पिताजी आर्मी रिटायर्ड हैं, तो वो मुझे लेकर 88 की बात है, वो पीजीआई में मुझे चेक कराने के लिए आते थे। तो अभी डॉक्टर जगत राम जो इस टाइम पीजीआई के डायरेक्टर हैं, उन्होंने उसी टाइम बोल दिया था कि इनकी जो है आइज़ का कोई क्योर नहीं है, इलाज नहीं है, लेकिन ये बात नहीं है कि ये लोग कुछ पढ़ लिख नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं। उस टाइम इंक्लूसिव एजुकेशन इतनी एक्टिव नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि स्पेशल स्कूल है, तो आप इसको वैसे तैयार करो कि जब तक ये स्कूल जाए तो ये अपने सारे काम खुद कर सके।
तो 6 साल की उम्र में मैंने ब्लाइंड इंस्टीट्यूट सेक्टर 26 चंडीगढ़ में एडमिशन ले लिया। वहाँ से अपनी फिर गाड़ी स्टार्ट हुई और मैंने प्लस टू वहाँ से किया। देन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़ से अपनी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की। फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर 20 से मैंने बीएड किया और पंजाब यूनिवर्सिटी से फिर मैंने एमए की। तो वो जो स्कूल टाइम का जो हमारा टाइम है, क्योंकि वो इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं थी हमारा, क्योंकि पता है कि हम सेम प्रॉब्लम के लोग हैं जी। सभी बच्चे वहाँ पे हम एक साथ रहा करते थे, खेलते थे, कूदते थे, मौज बनाते थे। लेकिन असली जो हमारी ज़िंदगी शुरू होती है वो आफ्टर प्लस टू शुरू होती है, जब आप एक कॉलेज में जाते हैं, जब आप कॉलेज में आते हैं, जब आप एक मतलब आप कह सको कि एक आम दुनिया के साथ आप कनेक्टेड होते हैं जी। क्योंकि वहाँ स्कूल में आपको सारी चीज़ें खुद मिल जाती हैं, स्कूल ही आपके लिए स्टडी का भी मटेरियल का भी अरेंजमेंट करता है और सब कुछ करता है, वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो जब कॉलेज लाइफ हमारी स्टार्ट होती है तो वहाँ हमें पता लगता है कि हमारे साथ एक देखने वाला बच्चा पढ़ रहा है, उसके साथ हमने कैसे डील करना है। तो जब मैं कॉलेज में गया तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे पिंच किया करती थी। सपोज हम क्लास में बैठे हैं, टीचर हमें पढ़ा रही है, मेरे साथ रोल नंबर 6 बैठा है, मेरे लेफ्ट पे रोल नंबर 4 बैठा है, मेरा रोल नंबर 5 है। टीचर रोल नंबर 4 से भी क्वेश्चन कर लेती थी, रोल नंबर 6 से भी कर लेती थी, मुझे छोड़ देती थी। तो मुझे 2-4 बार तो ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा मैम मैं भी क्लास में हूँ, माना कि मैं इकलौता ब्लाइंड हूँ तो आप मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मैं भी इन स्टूडेंट्स की तरह पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, आपको ये आंसर आता होगा। मैंने कहा आपने पूछ के तो देखना था। अच्छा, 4 दिन मैंने मैडम को बात समझ आ गई। पहले वो सोचती थी कि इसको आता नहीं होगा। जब मैम मतलब क्योंकि हमारा जो ध्यान था पूरा क्लास में रहता था जी। तो जब 4 दिन के बाद उन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया। मैंने कहा मैम अब क्या हुआ? कहते मुझे पता है आपको आता ही होगा। तो वो मैम के साथ हमारे मतलब टीचर्स के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस, फ्रेंड सर्कल अच्छा बन गया। हाँ। तो हम शुरू से ही कहते हैं कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आपके चाहे पड़ोस में रह रहे हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, एक जब आप सिंपैथी की नज़र से देखते हो ना तो वो लोग आपसे दूर भागेंगे। आप आइए, उनके साथ बैठिए, हालचाल पूछिए, बातचीत कीजिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी दोस्ती है वो आपको और लोगों से ज़्यादा अच्छी मिलेगी। फॉर श्योर। तो शिव भाई, अभी जैसे बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे जो एग्जैक्ट वर्ड क्या हम यूज़ करते हैं, ब्लाइंड करते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड करते हैं, क्या उचित शब्द है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए? विजुअली चैलेंज्ड। ठीक है, तो जो विजुअली चैलेंज्ड जो बच्चे हैं और जो लोग हैं, आप मैंने देखा है कि उनकी स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत अरेंजमेंट्स करते हैं कि वो पढ़ें, उनके लिए उनकी पढ़ाई की फ़ीस जाए, एंड स्पेशली स्कूल में भी, और आई थिंक मेजरली ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ज़्यादा जोर रहता है बिकॉज एम्प्लॉयबिलिटी के लिए तैयारी की जाती है। तो शिव भाई, ये पूरा प्रोसेस कैसा रहता है? बात जुलाई 2017 की है। मेरे पास एक फ़ोन आता है। तो कहते हैं जी हम कुछ डिनर प्लान कर रहे हैं तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे डिनर वैसा लगा, मैंने कहा जैसे पंडित बोल देते हैं ना कि 10 बच्चों को खाना खिलाना है ब्लाइंड लोगों को, उस टाइप का कोई प्रोग्राम होगा। तो वो फ़ोन था मिस्टर अनीश भनोट का जी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे उस टाइम। वो कहीं फिजिकली हमारे बीच नहीं है, लेकिन वैसे वो बिल्कुल हमारे बीच हैं जी। तो वो उस टाइम रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक के प्रेसिडेंट नहीं थे उस टाइम, वो थे मंजीत मैम, हमारी प्रेसिडेंट हुआ करती थी। तो मैंने वैसे इग्नोर किया, मैंने कहा जी मैं 2-4 दिन बिजी हूँ, मैं फिर मिलूँगा। तो एक दिन इनका फ़ोन फिर आ गया। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम एक डिनर इन द डार्क प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं जी, जिसमें हम पिच डार्क रूम में लोगों को खाना खिलाएंगे और हम चाहते हैं कि विजुअली चैलेंज लोग उसको सर्व करें जी। मैंने कहा सर हो जाएगा। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप हमसे कितना चार्ज करोगे? मैंने कहा सर, मैंने कहा मेरी पूरी जितनी टीम है हम सब गवर्नमेंट जॉब में बैठे हैं और हम चाहते हैं कि अब जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनके लिए हम कुछ ऐसा प्रोग्राम शुरू कर पाएँ जिससे कि वो बच्चे जो है पढ़ें और उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिलें और उनकी स्टडी अच्छी तरह हो सके। उनको ये आइडिया क्लिक किया
और फिर हमने तब से ये डिनर इन द डार्क को एक फंड रेजिंग इवेंट बनाया जी, और तब से लेकर आज तक हम 7 डिनर कर चुके हैं जी, और उसमें हम मतलब 6.5-7 लाख की स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड करवा चुके हैं बच्चों को जी, और उसके लिए भी हमने एक बिल्कुल एक साफ पारदर्शी ट्रांसपेरेंट तरीका हमने रखा। हमने कहा जी आप रोटरी ने हम पे इतना विश्वास किया जी, हम एक फॉर्म निकालेंगे, एक जूरी बिठाएंगे जिसमें जितने लोगों के फॉर्म उसमें ब्लाइंड बच्चों के आएंगे जी, जिसमें हम देखेंगे कि वो उसमें हमने क्राइटेरिया रखा एक इकोनॉमिकली और एक एकेडमिकली जी, जो बच्चे डिजर्व करते हैं रैंडमली उन्हीं को ही स्कॉलरशिप दी जाएगी, और जो स्कॉलरशिप दी जाएगी हमने एक पैसा नहीं लेना, आप चाहें तो उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे दीजिए या चाहे आप जैसे करना चाहें वैसे कीजिए, हमें मतलब सिर्फ उनकी अच्छी एजुकेशन से है ताकि हमारे कारण उनकी एजुकेशन अच्छी हो जाए जी। तो डिनर इन द डार्क हमारा एक फंड रेजिंग जो इवेंट चंडीगढ़ में बहुत फेमस हुआ, और अब काफ़ी दूर दूर से भी लोगों की डिमांड्स हमारे पास आ रही है कि हमारे पास आके हमारे शहर में ये डिनर करो, तो देखते हैं अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापी है, सारा आसमान अभी बाकी है, तो देखते हैं जो भी आगे जिस तरह से भी डेस्टिनी हमें लेकर जाएगी तो हम कोशिश करेंगे। और पिछले साल से तो हमने पहले हम ये चंडीगढ़ मोहाली पंचकूला के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया करते थे जी, लास्ट ईयर से हमने स्कॉलरशिप पैन इंडिया शुरू कर दी है जी, तो अब हम नेशनल लेवल पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। देखो दोस्तों कितना काम हो रहा है, और मैं अगेन बोलूँगा हम लोग अपने मोबाइल में बिजी हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी जो हैं उनको आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उनकी अपलिफ्टमेंट, उनकी एजुकेशन या उनकी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, जो कुछ भी प्रोग्राम्स उनके चल रहे हैं, क्या नई स्कीम्स आई हैं? और जसवी भाई आजकल आपने देखा होगा कि मल्टी डिसेबिलिटी का जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम बढ़ गई है, पहले तो एक डिसेबिलिटी हुआ करती थी, अब हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ब्लाइंड भी हैं साथ में डफ एंड डम भी हैं। ओह अच्छा। या वो डफ एंड डम भी हैं साथ में उनको फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम है, वो मल्टी डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम, और ब्लाइंड भी हैं या उनको मेंटली भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है जी। तो ऐसे बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत आती है कि आप उन तक अपनी बात कैसे पहुँचाते हैं, तो उसके लिए हमारी कोशिश रहती है कि एक सारथी करके प्रोग्राम मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड चंडीगढ़ ब्रांच का भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ जी, तो उसमें हम एक ऐसा कोर्स चलाते हैं मल्टी डिसेबल बच्चों के लिए जिसमें उनको बेसिक नीड्स, हमारे पास स्पेशल ट्रेन टीचर्स हैं जो कि बच्चों को उनकी बेसिक नीड्स और बाकी सारी चीज़ों के बारे में गाइड करते हैं। उनको तो गाइड कर दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत होती है उनके केयर गिवर्स को जी, जो उनके पेरेंट्स हैं या जो उनको देख रहे हैं जी, क्योंकि वो बच्चे इतनी अच्छी तरह अपनी स्की अपने से रिलेटेड वेलफेयर स्कीम्स को और बाकी चीज़ों को नहीं समझ सकते, और ऐसे 85% जो केयर गिवर्स हैं या पेरेंट्स हैं वो बहुत ही मतलब आप उनको अनएजुकेटेड कह सकते हो, कि उनको समझाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल डिसेबिलिटी पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन कैसे लगनी है, क्या क्राइटेरिया है, कहना नहीं चाहिए एक मैं इस टाइम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की क्या हालत है, कि वो किस तरह से लोगों को गाइड करते हैं, वहाँ तक वो लोग पहुँच नहीं पाते, और जिसके कारण बहुत बच्चे ऐसे थे जिनकी पेंशन्स लग ही नहीं पाई थी, उनको डिसेबिलिटी पेंशन्स लगवाना, उनके बारे में और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं बताना, एक आप सभी एक एडिप स्कीम है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स की, ठीक है, जिसमें जो लोग चल फिर नहीं सकते उनके लिए वो एक्टिवा स्कूटर के लिए फंडिंग करते हैं अप टू 40,000 की। ओके मतलब 40,000 की फंडिंग वो करेंगे, बाकी आपको स्कूटर खरीदना है, उसमें स्पेशल टायर्स लगे होते हैं, आप उनको चला सकते हो। ये मैं अभी उनके लिए मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी स्कीम्स के लिए हैं, चाहे अगर आप हेयरिंग डिसेबिलिटी किसी को है तो उनके लिए वो मशीन्स वगैरह के लिए, और ब्लाइंड लोगों के लिए भी ये स्कीम है, तो उस चीज़ का वो बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि जितने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं जो जिनके नाम पर गाड़ी की आरसी है उनको पेट्रोल में भी सब्सिडी मिलती है,
वो सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो धीरे धीरे जो स्कीम्स हमारी भी नॉलेज में आती हैं वो हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल। आपकी फैमिली में कौन कौन है थोड़ा सा वो भी बताएं हमें। मेरी फैमिली में जी मेरे मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं, ज्वाइंट फैमिली है मेरी जी। उनके बच्चे हैं, मेरी वाइफ है जी, वो भी ब्लाइंड है, और मेरी एक 2 साल की बेटी है जी। और आई मीन आपकी फैमिली ने कैसे आपको ओवरऑल पूरे प्रोसेस में सपोर्ट किया है? सर मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम वो है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जिस टाइम वो लोगों की बातें जब सुनते हैं कई बारी कि आपका बच्चा ब्लाइंड, जब शुरू में ये चीज़ें बहुत रही कि जब मैं मेरे पापा, क्योंकि आर्मी पर्सन पूरी कंट्री में घूमता है, उन्होंने घाट घाट का पानी पिया होता है जी। उनको पता है कि किसी सियाने बंदे ने सलाह दी है तो अच्छी दी है। तो जब डॉक्टर जगत राम ने जब स्कूल के बारे में बताया तो मेरे पापा ने 6 साल की उम्र में मेरे को स्कूल में एडमिट करवा दिया। लोगों ने उस टाइम बोलना शुरू किया इनसे अपना बच्चा नहीं पाला गया, ये देख नहीं सकते थे उसको, ब्लाइंड था तो क्या हुआ, हॉस्टल में रखना ज़रूरी था, ये सारी चीज़ें मतलब। लेकिन उस टाइम मेरे माता पिता को बहुत फील होती थी, लेकिन उन्हें लॉन्ग टर्म का सोचा। अब वही लोग जो बोला करते थे वो मेरे पास कानूनी सलाह लेने के लिए आते हैं। तो समय ने अपनी करवट बदली है और अब लोग आपसे सलाह लेते हैं। शिव भाई को मैं आपको बताऊं कि गाने का बहुत शौक है। शिव भाई गाने का शौक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, गाने का शौक है बिल्कुल। तो शिव भाई जब भी हमारी कभी भी कोई मीटिंग होती है रोटरी की या हमारे और भी फंडरेजिंग इवेंट होते हैं, एक बार माइक शिव भाई के पास आता ही आता है। और हाल ही में जस्ट कितने 2-3 दिन पहले ही, बिल्कुल 2 दिन पहले, पूरा टेबल कवर्ड था और माइक शिव भाई के हाथ में था। और शिव भाई 2 अल्फाज कोई हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट शिव भाई, कोई ऐसा कोई गाना, मतलब कोई बड़ा पॉपुलर ट्रैक नहीं बट जो आपका अपने सबसे करीबी हो। देखिए जी, ये सवाल ना एक म्यूजिक लवर के लिए पूछना कि उसके लिए कौन सा गाना करीबी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चलो कोई, लेकिन फिर भी यशस्वी भाई ने कहा है तो बस 2 लाइनें गाना, ज़्यादा नहीं गाना, इनका कहना हम कैसे टाल सकते हैं। तो मैं ज़रूर एक, मैं पुराने गानों का बहुत शौकीन हूँ जी, तो मैं एक जगजीत सिंह जी का गाना थोड़ा सा आपके लिए गा देता हूँ जी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या बात है शिव भाई। और शिव भाई एक का एक म्यूजिकल ग्रुप भी है, और ये जब साथ में बैठते हैं तो खूब, जिसको कहते हैं ना, धमाल मचती है, धमाल ही मचती है, है ना। और शिव भाई अगर हम 10 साल पहले के शिव भाई को देखें और आज के शिव भाई को देखें तो क्या फ़र्क है? मुझे टेक्नोलॉजी ने बहुत एक्टिव कर दिया। 10 साल पहले जब हम पढ़ा करते थे तब हमारे टाइम पे टेक्नोलॉजी भी जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी एक्सेसिबल नहीं थी, जिसको हम कह सकते हैं कि सारी चीज़ें हमारे हद में हों। लेकिन आज सब चीज़ें टेक्नोलॉजी ने इतनी अच्छी कर दी हैं कि वो एक विजुअली चैलेंज्ड के लिए टेक्नोलॉजी पूरी उनके कंट्रोल में है, चाहे वो सॉफ्टवेयर्स की बात हो, चाहे वो कैब्स वगैरह की बात हो, कुछ भी हो। तो अब जो है डिपेंडेंसी जो है टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हद तक हमारी जो है वो ख़त्म कर दी है, जो हम और लोगों पे डिपेंड रहा करते थे, तो वो जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो गई है। तो मुझे ये लगता है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदल दिया है। हम कहते तो हैं कि सारी चीज़ें, हम बच्चों को भी कहते हैं कि अब इन चीज़ों से वो करो, मतलब मोबाइल छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए या कुछ है, लेकिन ये चीज़ें अगर हम एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के एक्सपेक्ट से देखें तो गेम चेंजर रही है टेक्नोलॉजी एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज। मैं आपको बताता हूँ, शिव भाई को आप कॉल करें, SMS करें, WhatsApp करें, Zoom मीटिंग पर बुला लें,
शिव भाई ने कैब बुक करनी हो, खाना ऑर्डर करना हो, आप ईमेल भी लिख लेते हो? बिल्कुल, सब कुछ कर लो, सारा कुछ, एवरीथिंग, सारा कुछ शिव भाई अपने फ़ोन से ऑपरेट करते हैं। और आप सोचते होंगे कि वो देखते कैसे होंगे, तो नहीं, जो एक्सेसिबिलिटी टूल्स हैं आज की डेट में मोबाइल फ़ोन में, रीडिंग एंड राइटिंग जो फीचर्स आ गए हुए हैं, शिव भाई हर नोटिफिकेशन सुन सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं, और एक्सेसिबिलिटी करके शिव भाई इन चीज़ों को सबको बहुत बेहतर अंदाज से कर पाते हैं। शायद आई थिंक इस चीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है कि कोई बेटर करता है, कोई ज़्यादा बेटर करता है या कोई कम बेटर करता है, पर यह है कि सारे काम शिव भाई करते हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने सारे लोग शिव भाई से लीगल एड, लीगल हेल्प, लीगल एड सब लेने आते हैं, प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स शिव भाई से आते हैं, बहुत सारे लोग जो जिनको किसी भी प्रकार की कोई तंगी है वो भी शिव भाई से के संपर्क में आते हैं। शिव भाई उन्हें पूरा प्रॉपर गाइड करते हैं, उन्हें लिंक्स भेजते हैं, मतलब एक एक पॉलिसी, एक एक नई नोटिफिकेशन, एक एक नई स्कीम जो भी यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आती है, प्लस जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी स्कॉलरशिप देती हैं जो शिव भाई को संपर्क करती हैं, वो शिव भाई सारे जितनी भी असिस्टेंस है उनके बिहाफ पे भी लोगों को देते हैं। तो शिव भाई लोगों, लोग आप आपके साथ कैसे मिलते हैं, मतलब लोगों का रवैया कैसा है आपकी तरफ? रवैया मैं सच बताऊँ, हम जिस सिटी में रह रहे हैं चंडीगढ़ में जी, वो एक बहुत अच्छी सिटी है। सिंपथी तो हमारे जो मतलब इंडियन कल्चर से जा नहीं सकती, तो वो मतलब अब लोगों को समझ आने लगा है कि भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। एक दिन मैं एक मंदिर के आगे से जा रहा था सेक्टर 7 चंडीगढ़ में, तो मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, मैडम शीशा डाउन करती हैं और मुझे 10 रुपये देकर कहती हैं कि आप कुछ खा लेना। तो मुझे पहले बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा मैम मैं मतलब नहीं, ठीक है मैं नहीं, मैडम सब कुछ है मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, आप फिर भी कुछ खा लेना। फिर उन्होंने थैले में से मुझे केला निकाल के दिया, तो कहते कि आप केला खा लो। मैंने कहा मैम मैं केला नहीं खाता। कुदरती आगे केले वाला खड़ा था, मैं उसके पास जाके राम राम करने लग गया, तो मैडम को लगा कि मैं केले वाले से केले खरीद रहा हूँ। तो मैडम कहती कि आपको मैं केला दे रही हूँ, आप खा नहीं रहे। मैंने कहा मैडम मेरे को ही केला क्यों आपने खिलाना है? कहती नहीं मेरा आज वीरवार, कुदरती आज भी वीरवार है, वीरवार का फास्ट है, तो मुझे पंडित ने कहा कि केला किसी को दान देना है। मैंने कहा मैडम आपका ड्राइवर भी तो आपकी गाड़ी चला रहा है, अपने ड्राइवर को भी तो केला खिला सकते हो, वो जो सुबह से शाम तक आपके साथ घूम रहा है। तो वो मैडम वहाँ से चली गई। तो मीन्स कि ये समझना कि जो एक ब्लाइंड बंदा है वो मंदिर गुरुद्वारे के आगे भीख ही मांग सकता है, या वो सिर्फ म्यूजिक से ही जुड़ा हो सकता है। मुझे किसी ने एक दिन पूछा कि आपकी वाइफ भी ब्लाइंड है? मैंने कहा हाँ जी मेरी वाइफ बिल्कुल ब्लाइंड है। तो कहते आपकी मुलाकात तो म्यूजिक क्लास में ही हुई होगी। मैंने कहा क्यों जी, हम सारा दिन म्यूजिक ही नहीं करते। तो वो जो चीज़ें हैं, एक बार मैं केमिस्ट की शॉप पे कोई मेडिसिन लेने गया, तो बड़े किस्से हैं जसवी भाई लाइफ के, मजेदार इंटरेस्टिंग किस्से जानने लोगों ने। केमिस्ट की शॉप पे गया, मैंने कोई दवाई मांगी और मैं अपने वॉलेट में से पैसे देने लगा, तो मुझे कहते कि मैं उस टाइम जॉब नहीं करता था जी। तो कहता आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? मैंने कहा मेरे माँ बाप हैं। अच्छा आपके माँ बाप भी होते हैं? मैंने कहा नहीं भाई साहब, एक स्पेशल पेड़ लगा होता है जहाँ से हमें तोड़ के लाया जाता है। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो यही समझते हैं कि भी अभी तक जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं वो बहुत पीछे हैं, समाज आना चाहिए। मैं ऐसे पेरेंट्स को भी जानता हूँ जिनके कारण उनके बच्चे कुछ कर नहीं सके, वो बहुत लेट हो गए पढ़ाई लिखाई करने में, अगर वो शायद पहले करते तो वो कुछ ना कुछ बन जाते। देखिए डिसेबिलिटी किसी को भी हो सकती है। देखिए डिसेबिलिटी तभी है ना जब वो एक्सीडेंट नहीं है, मेरे हिसाब से। अगर एक्सीडेंट में कोई चीज़ हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन बाद में भी आई थिंक वो एक डिसेबिलिटी बन सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पर जो डिसेबिलिटी बाय नेचुरल प्रोसेस है या बाय बर्थ है, किसी को भी हो सकती है ना। मतलब क्यों, मतलब ये लोग, मतलब ये एजुकेशन हमारी कहाँ जा रही शिव भाई, ये क्यों लोग ऐसे बात करते हैं? मतलब ये सोच, प्रॉब्लम क्या है, आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? क्यों वो आप
पैसे लेके भागे हुए कहीं से, नोट बैंक चोरी किया होगा, मतलब क्या किया होगा, मैं समझता नहीं सकता। सारी चीजें ना घर से शुरू होती हैं। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है किसी भी चीज की जी। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना आपके साथ ये प्रॉब्लम है जी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, जो माँ बाप देखे हैं, जो छुपाते हैं बच्चों की डिसेबिलिटी कि मैं, हमारा बच्चा डिसेबल है, मोहल्ले में चार लोग क्या कहेंगे। आज भी मैंने लोगों को देखा है, बच्चों की नज़र कम हो रही है, चश्मा नहीं लगवाना चाहते लोग कि आज साथ के बच्चे देखेंगे उसके तो क्या कहेंगे कि इसको चश्मा लग गया। नेचुरल चीज़ है यार, क्या प्रॉब्लम है, चश्मा लग गया, चश्मा हमारी असिस्टेंस के लिए बना है, लग गया तो लग गया, उस चीज़ को रोकना कैसे है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। माँ बाप को चाहिए कि वो एक्सेप्ट करें इस चीज़ को। जब तक सोसाइटी और माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना उस चीज़ को, एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। राइट। अगर आज मैं समझ लो कि कल खाना खत्म होने वाला हो दुनिया से, एक आखिरी मील क्या खाना चाहोगे? कुछ लोग ना खाने के लिए जीते हैं, मैं उनमें से हूँ। यस, आई न्यू इट। हाँ, देखो खाने पे तो बॉन्डिंग होती है। हाँ, क्या है वो आखिरी मील, एक मील बोलें कि एक ये मील है जो हमने खाना है और कल दुनिया खत्म होगी। मेरा सारा फ्रेंड सर्कल जानता है कि मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है। बस तो शिव भाई, मुझे आप सातों दिन कढ़ी खिलाओ, मैं सात दिन कढ़ी खा सकता हूँ। सात दिन कढ़ी खा सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद मीठा खिलाना हो तो वो क्या होगा? मीठे में हाँ, काजू कतली। क्या बात है। अच्छा शिव भाई, अगर आपको एक रूम में आज बोल दें कि शिव भाई कल वर्ल्ड एंड होने वाला है, ठीक है, आज इस रूम में अपनी पसंद के सारे लोग इकट्ठे कर लो, उनके साथ एक एक प्लेट कढ़ी चावल खा लो, काजू कतली खा लो, एक एक ड्रिंक पी लो, ठीक है, तो वो कौन लोग हैं जो आपकी लिस्ट में टॉप करेंगे ही करेंगे कि हाँ यार, कि ये कमरा जब हॉल भरे और मेरे आसपास मुझे लोगों की आवाज़ सुनाई दें तो ये लोग मेरी मेमोरी का पार्ट बनने चाहिए। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी उनकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि इंटरव्यू सुनने के बाद जो चार बाल मेरे सिर पे बचे हैं वो भी उड़ने वाले हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, लोग नाराज़ हो जाएंगे कि हमारा नाम नहीं लिया। तो मैं, मेरी लिस्ट बहुत लंबी है, उसके लिए एक रूम नहीं, उसके लिए फिर पूरा पैलेस बुक करना पड़ेगा। चलो पैलेस बुक कराएंगे, बट तोते की तरह बोल दो कि भाई ये हमने तर करके ट्रेन चला दो, नाम गिनने शुरू करें तो ऐसे गिन लो, मेरी फैमिली होनी चाहिए, मेरी ये होनी चाहिए, मेरे वो होने चाहिए, और बंदे खास कुछ। अब भी लग रहा है कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। मेरी फैमिली तो ऑब्वियसली उसमें रहेगी। हाँ, मेरा ऑफिस के फ्रेंड सर्कल मेरे साथ रहेगा। उसके अलावा अमरिंदर, नवजोत, मोहित और मेरी दो चार एक्स गर्लफ्रेंड्स जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी मिल जाएं तो बढ़िया है। ये बात सुनने के बाद या मेरी वाइफ ने बेलन तैयार कर लेना घर पे, मुझे पता है। वैसे मैं अपनी वाइफ को उस दिन बता रहा था कि मार्केट में स्टील के बेलन भी आ गए हैं अब, तो बेलन खाने वाले काम मैं खुद ही कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये है कि बढ़िया है, रंगीन मजाज के आदमी हैं हम, तो मिले जो बढ़िया है, जो आवे सो राजी जावे। बिल्कुल। आप देखिए इस बात को समझें कि शिव भाई दिल के बहुत साफ हैं, जो है दिल में है, जो नहीं है वो नहीं है, जो चाहिए वो हाँ, जो नहीं चाहिए वो ना। बहुत साफ बात है शिव भाई। बिल्कुल है ना, ये होना भी चाहिए। और मैं रूड किस लिए माना जाता हूँ कि जब कोई बंदा कोई भी किसी भी मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या किसी चीज़ को लेकर जी कोई नेगेटिव बात करता है ना, तो वहाँ मैं फिर खून खराबे पे उतर आता हूँ। ये मैं कहूँगा आपकी तरफ से बिल्कुल सही बात है। पहले हमारे साथ में कोई ऐसी बात करे ना, जो लोग अनजाने में, जिनको थोड़ा जिनकी सेंसिबिलिटीज अभी उस लेवल तक नहीं गई हैं, जब ऐसी बात करते हैं, तो आपको क्या चीज़ है जो ये करने में मजबूर करती है? पता है, सबको ना एक ही मतलब तराजू में नहीं तोलना चाहिए। होंगे कुछ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऐसे जो सोसाइटी में नाम खराब करते होंगे या कुछ है,
लाइक मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक मैं एक जगह पर गया तो किसी ब्लाइंड लड़के की हॉस्टल में एडमिशन करवानी थी जी। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने कहा जी ये लड़का आया है बाहर से, इसने एडमिशन लिया तो इसकी एडमिशन, कहते जी हम नहीं कर सकते, 5 साल पहले एक ब्लाइंड आया था तो उसने ऐसा किया था जी। मैंने कहा सर आपकी सोसाइटी में भी तो हर साल आपके पास 10 बच्चे डिफॉल्टर आते होंगे, तो क्या आपने एक नॉर्मल बच्चे को एडमिशन देना छोड़ दिया? तो भी ये जो एक टैग है कि भी एक ने कर दिया तो सारे पर्सन में डिसेबिलिटीज वैसे होंगे, ये चीज बहुत गलत है। हम में भी सारी चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। हो सकता है कि आज मुझे खाने का शौक है, मेरे साथ कोई दुआ, आप किसी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज रिजर्व नेचर के बहुत होते हैं जी, क्योंकि उनकी बात फैमिली में भी सुनी नहीं जाती। बहुत रेयर केसेस हैं मेरे जैसे जो फैमिली में जिनकी सुनी जाती है, लेकिन हर परिवार ऐसा नहीं है। बहुत जगह उनकी नहीं सुनी जाती, उनकी पसंद नापसंद नहीं पूछी जाती, जो माँ बाप ने कपड़े लेके दे दिए पहन लिए, जो खाने को दे दिया खा लिया, तो उन लोगों की चॉइसेस मर जाती हैं जी। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो बाद में कॉलेज से हॉस्टल में हमारे पास आए, अलग अलग जगह से आए, उनकी पसंद मर चुकी थी, लेकिन जब वो साथ में रहते हैं तो वो दोबारा से रिएक्टिवेट होते हैं, उनकी चीज़ें बढ़ती हैं। तो वो हमारे साथ साथ हमारी पूरी सोसाइटी का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जी। कि उन लोगों को सबको साथ लेके चलें जी। तो शिव भाई जैसे आपके साथ के जो लोग हैं, आपके और भी दोस्त हैं, तो वो रिस्पेक्टिवली किन किन फील्ड्स में काम कर रहे हैं, जो जो विजुअली चैलेंज्ड हैं जैसे आपने वर्ड बोला? मेरी वाइफ जो है वो स्पेशल एजुकेटर हैं चंडीगढ़ में, आशा किरण सेक्टर 46 जो स्टूडेंट है इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, वो उन बच्चों को पढ़ाती हैं जो बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या लेटर ब्लाइंड है, उन लोगों को वो पढ़ाती हैं और उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मैं सिंगल एम ए बी एड हूँ, वो डबल एम ए बी एड है जी। तो और मेरे बहुत सारा फ्रेंड सर्कल जो हमारा म्यूजिकल ग्रुप है द म्यूजिकल आइज के नाम से जी, उसमें अमरिंदर जो है असिस्टेंट मैनेजर पंजाब एंड सिंध बैंक में है जी, नवजोत भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अभी उनकी नवा शहर में जॉब लगी है, मोहित पंजाब एंड इसमें पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करते हैं, मेरी एक सिस्टर इन लॉ है वो भी ब्लाइंड है, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इस टाइम जॉब कर रही हैं जी। बहुत लोग हैं जो मेरे सर्कल में जो कोई प्रोफेसर हैं, कोई लेक्चरर हैं, और अच्छी अच्छी जगह मतलब सारे काम कर रहे हैं जी। तो आप कॉन्स्टेंटली सबसे बात करते रहते हैं, टच में रहते हैं? बिल्कुल जी, हम टच में रहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स खूब एक्टिव रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स एक्टिव रहते हैं, हमारे फेसबुक पे पेजेस बने हुए हैं, कोशिश करते हैं कि 2-3, अब तो खैर कोविड के बाद हम काफ़ी टाइम से मुलाकात हमारी हुई नहीं है, तो एक दूसरे के घर हमारा सबका लगा आना जाना लगा रहता है जी। क्योंकि कई लोग, कई ब्लाइंड कपल्स हैं, जैसे हम ब्लाइंड कपल हैं, तो लोगों को एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो जब वो लेडीज इकट्ठी होती हैं, मेरी वाइफ या और ब्लाइंड लड़कियां इकट्ठी होती हैं, तो वो एक दूसरे से बहुत कुछ पता करती हैं, जैसे एग्जांपल कि किचन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता है बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड उनको करने में दिक्कत आती है, तो एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, मज़ा आता है। मैं टेक्नोलॉजी में अभी बहुत वीक हूँ, मैं कहता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी ने मुझे बहुत अच्छा बना दिया, मेरा फ्रेंड सर्कल अमरिंदर मोहित वगैरह टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, मैं तो उनका 10% भी नहीं हूँ। हम उनको फ़ोन करके पूछते हैं भाई ये नई टेक्नोलॉजी आई है इसका यूज़ कैसे करना है, तो सीखने की इच्छा बनी हुई है तो काम कर रहे हैं। अगर हमारी इच्छाएँ मर जाएँ तो समझो हम भी फिर फिजिकली जिंदा है, मेंटली तो मरी गए। तो मैं आप सभी दर्शकों से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप चंडीगढ़ आएँ और आप शिव भाई से मिलना चाहें, आप ज़रूर हमें संपर्क करें, और खाने पे मिले ना, कुछ देर कोई सिंपथी नहीं चाहिए किसी को, और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम मिलके बहुत अच्छे कैंपेन्स में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। शिव भाई इज़ ऑल्सो वर्किंग विद रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट एंड ही इज़ एडवाइजिंग ऑन लॉट ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स एंड खूब सारे कैंपेन्स में हमने ऑलरेडी इससे पहले भी काम किया है, शिव भाई याद है ना? बिल्कुल, हमने कोविड के टाइम पे भी किया था, बिल्कुल, फिर डिनर इन द डार्क पे भी किया है। यस, तो हमने काफ़ी रिकॉर्डिंग्स की हैं, काफ़ी कैंपेन्स हमने प्रोड्यूस किए हैं शिव भाई के साथ भी, और कभी भी आएँ तो आपको आपको पता है कि शिव भाई को खाने पीने का बहुत शौक है। इन्होंने कहा है इंसान खाने के लिए जीता है, और कढ़ी चावल का इसने सबसे ज़्यादा शौक है, लेकिन बार बार कढ़ी चावल भी ना खिलाएं, कुछ और खिला दें, बिल्कुल है ना। और
आप देखेंगे कि कितने इंडिपेंडेंट हैं, खुद ही अपनी कैब्स बुक कर लेते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपस में एक वेल कोऑर्डिनेटेड इनके फ्रेंड सर्कल है। और हालांकि मैं कहूं कि शिव भाई आप अपने दोस्ती के दायरे से उठ के पूरे शहर के एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं, क्योंकि जो काम ये कर पा रहे हैं आई थिंक वो बाकी लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। बाकी लोग, मैं अगेन कह रहा हूँ कि बहुत अपनी ही दुनिया अपनी धुन में मस्त हैं, और शिव भाई ने कहा कि सबके पास 24 घंटे हैं और आप उन 24 घंटों का क्या कर सकते हैं, खासकर वो लोग जिन लोगों को कुदरती एक तरीके से एक नेचुरली ही मतलब उनको आईसाइट नहीं मिली है, फिर भी वो दुनिया के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ। और मैं तो बस यही सोचता हूँ शिव भाई कि मैं तो बना ही वो रहा हूँ जो बाय गॉड मतलब लोग देख ही सकते हैं। तो आरएफई अनप्लग की ये खास बात एक और है कि दिस इज़ आल्सो अवेलेबल इन पॉडकास्ट फॉर्मेट कि आप सब इसे सुन सकते हैं। तो शिव भाई ये पूरा प्रोग्राम आप सुन भी पाएंगे और आपके सारे दोस्त और आपके सारे जो भी जो मैं कहूँगा फैंस वर्ड नहीं कहना चाहिए, शिव भाई के केस में इट विल बी द एक्सटेंडेड फैमिली जिसको मैं शब्द को इस्तेमाल करूँगा कि जो शिव भाई के साथ संपर्क में आते हैं वो सभी लोग आपको तो खैर देख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो शिव भाई आपके लिए खास कर आपके इन सारे अच्छे कामों के लिए हमारे हमारे पार्टनर्स की तरफ से दो गिफ्ट हैम्पर्स हैं और ये मैं आपको देना चाहूँगा। एरोमा मस्क की तरफ से शिव भाई के लिए गिफ्ट हैम्पर, वाह वाह थैंक यू वेरी मच। और एलिस्टोज की तरफ से भी शिव भाई के लिए गिफ्ट हैम्पर। तो शिव भाई आपको आरएफई अनप्लग्ड पे आके अब कैसा लग रहा है बाकी शोज के मुताबिक? नाले पुनते नाले फलियां, साथ में इंटरव्यू होगी, साथ में गिफ्ट हैम्पर मिल गया, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। स्पॉन्सर्स थैंक यू वेरी मच, आप जैसे अच्छे स्पॉन्सर्स मिलते रहे तो सभी लोग बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं, और आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। लाओ मैं रख देता हूँ। तो शिव भाई कुछ आखिरी मैसेज या कोई किस्सा जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे सुनाना चाहेंगे? आखिरी मैसेज तो मेरा यही है जी कि अगेन वही बात आती है कि पॉजिटिविटी और एक्सेप्टेंस की, कोई चीज़ है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर रोड्स पे चलते हैं, कहीं भी चलते हैं तो बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गालियां निकालना शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता, कर नहीं सकते, रेड लाइट पे जाम है तो उसको एक्सेप्ट कर लो यार, शांति से बैठे रहो। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपका टाइम अच्छा निकल जाएगा, दूसरा आपका शरीर बीमारियों से दूर रहेगा। जितना गुस्सा करोगे बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा फिर गोली खानी पड़ेगी, इसलिए एक्सेप्ट कर लो चीज़ को कि हाँ यार है, ठीक है, इस चीज़ को बेहतर कैसे कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। हम नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसी तरह से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के केस में भी है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि हमारे पास कोई नहीं है, आपके आस पड़ोस में हो सकता है, आप रोज़ गाड़ियाँ लेके रोड पे निकलते हो, कोई आपको मिल सकता है, कुछ नहीं चाह रहा, कोई आपको कोई स्टिक ले के ब्लाइंड व्यक्ति चलता हुआ दिखे, हो सकता है उसको रोड क्रॉस करना हो, आप रुको दो मिनट, अगर टाइम है, वैसे टाइम आजकल किसी के पास है नहीं, आप रुके उसको रोड क्रॉस करवा सकते हैं। आपको जब वो थैंक्स बोलेगा आपको भी अच्छा लगेगा, और जो उसके मन से जो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स निकलेंगी वो तो आपके लिए पावर बूस्टर का काम करेंगी ही। और देखिए कि जब भी आप रोड पे किसी ब्लाइंड व्यक्ति को रोड क्रॉस करते देख रहे हैं, कंटिन्यूसली हॉर्न ना बजाएं। हाँ, ये बहुत न्यूसेंस है। तो आप पीछे से टी टी हॉर्न बजाते हुए आओगे तो एक जो विजुअली इंपेयर्ड है वो कन्फ्यूज हो सकता है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप एक मिनट के लिए स्टॉप कर सकते हैं और रोड क्रॉस कर लें, उसके बाद आप देख सकते हैं। इसी तरह से कभी भी किसी भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से मिलें तो वो सिंपथी वाली भावना से ना मिलें। मेरे को कई बंदे मिलते हैं, प्रभु जी, बाबा जी, नमस्कार, देवता जी। मैं कहा हम देवता नहीं हैं भाई, हम भी तुम्हारी तरह एक आम आदमी हैं, हम भी शाम को 5 बजे के बाद हाथ में पैग लेके आपको कहीं भी मिल सकते हैं, तो हम देवता दुवता कोई नहीं है। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम भी आपकी तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मिले, मुस्कुरा के मिले, आपकी मुस्कुराहट से हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी और इसी तरह ये ज़िंदगी हंसते हंसते कट जाएगी। और यूं ही बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए हमारे खूब सारे एपिसोड्स रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे।
खासकर इस हमारे एपिसोड एक सीरीज़ आरएफई अनप्लग्ड के सारे एपिसोड्स आप देखें और आप यूं ही बने रहे हमारे साथ। मैं हूं ओजस्वी शर्मा और मेरे साथ हैं मैं हूं शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा और आप हमें देख रहे हैं रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। फिर चलें खाने पीने। चलो पीने का इंतजाम तो है, खाने का देख लो। आप देख रहे हैं आरएफई अनप्लग्ड रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे।